अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर उमर सैयद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रैक्विक कम्बिनेशन की एक और नई मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है R5 ड्रॉप। R5 ड्रॉप के क्या क्या यूजेस होते हैं, इसको कैसे यूज़ किया जाए, इसके अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ हैं और इन दवाइयों का जो है क्या यूज़ होता है, इसके बारे में जो है आपको डिटेल में जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और जो भी नए व्यूवर पहली बार इस चैनल पर आए हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बाजू में घंटी लगी हुई है उसे भी दबाइए मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की। तो दोस्तों, R5 ड्रॉप जो है ये स्टमक डाइजेशन ड्रॉप है। इसे जो है गैस्ट्राइटिस के केसेस में काफ़ी यूज़ किया जाता है, चाहे पेशेंट को एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो या क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस हो। इसी के साथ में जो है पेशेंट को हार्टबर्न की तकलीफ हो या डिस्पेप्सिया हो, पेट में जलन हो, खट्टी डकारें आना हो, पेट के अंदर छाले वगैरह हो, या फिर जो है पेशेंट को फ्लैचुनेंस की तकलीफ हो, तो उन केसेस में जो है R5 ड्रॉप को काफ़ी इफेक्टिव तरीके से जो है यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों R5 ड्रॉप के अंदर जो है मुख्यतः जो है 9 होम्योपैथिक मेडिसिन एडेड है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली दवा है वो है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम पेशेंट का जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, जो पेट में जलन वगैरह खट्टी डकार वगैरह आती हैं, वो ज़्यादातर जो है मिडनाइट के बाद यानी कि रात के समय में काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और पेशेंट अगर खाना खा ले तो उसे जो है काफ़ी हद तक जो है पेशेंट को आराम पड़ जाता है। तो ऐसे केसेस में जो है एनाकार्डियम को काफ़ी इफेक्टिव तरीके से जो है यूज़ किया जाता है। इसमें जो दूसरी दवा है वो है अर्जेंटिकम नाइट्रिकम में जो है पेशेंट को खट्टी डकारों के साथ में जो है पेशेंट को जलन वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये ज़्यादातर जो तकलीफ़ पेशेंट को खाना खाने के बाद में काफ़ी ज़्यादा होती है, और जलन होती है वो छाती से लेते हुए जो है गले तक काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को आती है, और रात के समय में जो है पेशेंट जो है इस खट्टी डकारों की वजह से जो है सो नहीं पाता है, और रात में जो है पेशेंट इस जलन की वजह से जो है पेशेंट सो नहीं पाता है, और पेशेंट को कंटिन्यूस जो है खट्टी डकारें वगैरह आती हैं। तो ऐसे केसेस में अर्जेंटिकम नाइट्रिकम को जो है अफेक्टिव तरीके से जो है यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें जो तीसरी दवा है वो है आर्सेनिक एल्बम। तो दोस्तों, आर्सेनिक एल्बम के जो पेशेंट होते हैं जिनको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर ये जो है नाइट में पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा होती है, और इस तरह के पेशेंट काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं, यानी कि जो है बिस्तर के ऊपर जो है सो नहीं पाते हैं, पूरी रात भर जो है पेट में जलन होने की वजह से, और जो है पेशेंट को बर्निंग टाइप का जो है पेन वगैरह होता है छाती के बीच वाले हिस्से में, और उसी के साथ में पेशेंट को जो है नौशिया और वॉमिटिंग यानी कि उल्टी वगैरह का भी जो है एहसास होता है। और दोस्तों, इसमें जो चौथी दवा है वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज के पेशेंट में बेल्चिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि जो है पेशेंट को जो है काफ़ी ज़्यादा गैस बनती है पेट के अंदर, और वो गैस पेशेंट को जो है ऊपरी हिस्से में काफ़ी ज़्यादा जमा होती है, और पेशेंट को जो है खट्टी डकारों के साथ में जो है पेशेंट को पेट के अंदर जो है दर्द वगैरह भी होता है। तो इस तरह के केसेस में जो है कार्बोवेज को जो है अफेक्टिव तरीके से जो है यूज़ किया जाता है। और इसमें जो पांचवी दवा है वो है चेलुडोनियम। चेलुडोनियम जो है एक अफेक्टिव मेडिसिन है, स्पेशली अगर पेशेंट को लीवर डिसऑर्डर है या गॉल ब्लैडर के अंदर डिसऑर्डर है, यानी कि पेशेंट का जो है पित्त वगैरह जो है नहीं बन रहा है या जो है काफ़ी ज़्यादा बन रहा है, और उसकी वजह जो है पेशेंट को गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स है, यानी कि पेशेंट को डिस्पेप्सिया है या गैस्ट्राइटिस की शिकायत है, या पेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा गैस बनती है, तो उन केसेस में जो है चेलुडोनियम को काफ़ी इफेक्टिव तरीके से जो है यूज़ किया जाता है। और इसमें जो नेक्स्ट दवा है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी जो है गैस्ट्राइटिस के पेशेंट में काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। ज़्यादातर जो है लाइकोपोडियम के जो पेशेंट होते हैं उनके टंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बिटरनेस टेस्ट होता है, और उसी के साथ में जो है पेशेंट का पेट के अंदर जो है गैस काफ़ी ज़्यादा बनती है, फ्लैचुनेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि नीचे के रास्ते से गैस काफ़ी ज़्यादा छूटेगी, खट्टी डकारें वगैरह आ जाएंगी, और पेशेंट को जो है छाती के अंदर जलन वगैरह होगी, स्पेशली जो जलन होती है खाना खाने के बाद में पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा, और पेशेंट को जो है भूख वगैरह कम लगेगी, और इसी के साथ में पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी होती है। तो इस तरह के केसेस में जो है लाइकोपोडियम को इफेक्टिव तरीके से जो है यूज़ किया जाता है। और इसमें जो आखिरी दवा है वो है नाकस्वामिका। नाकस्वामिका जो है उन केसेस में इफेक्टिव है जहाँ पर पेशेंट क्रॉनिक स्मोकर है,
या जो है क्रॉनिक ड्रिंकर है, यानी कि पेशेंट जो है बीड़ी सिगरेट वगैरह काफ़ी ज़्यादा पीता है या दारू का सेवन वगैरह काफ़ी ज़्यादा करता है, और उसी के साथ में पेशेंट की जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी कि बैठे रहने का काम होता है, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को गैस की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है, पेशेंट को एसिडिटी वगैरह हो जाएगी, खट्टी डकारें वगैरह आएंगी, और पेशेंट को जो है बेचैनी वगैरह होती है, इसी के साथ में पेशेंट को जो है कॉन्स्टिपेशन होगा या फिर जो है पेशेंट को कभी कभी डायरिया वगैरह होता है। तो इस तरह के पेशेंट में जो है नक्सोमिका एक अफेक्टिव मेडिसिन की तरह जो है यूज़ की जाती है। तो दोस्तों जितने भी दवा मैंने बताई है ये दवाइयाँ जो R5 ड्रॉप के अंदर ऑलरेडी एडेड हैं, इन दवाओं को जो है सक्सेसफुली जो है यूज़ किया जा सकता है सारे एक्यूट और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के पेशेंट के अंदर, उन केसेस में भी जो है यूज़ किया जाता है जहाँ पे पेशेंट को पेट के अंदर जो है छाले वगैरह होते हैं या पेशेंट को कोई भी पेट की समस्या है, इन सारे केसेस में जो है R5 ड्रॉप को जो है सक्सेसफुल तरीके से जो है यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों R5 ड्रॉप को जो है आपको 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर में, 10 बूंद शाम को लेना है, आधे कप पानी के साथ में लीजिए और इसे खाना खाने के पहले लीजिए और लगभग जो है इसको 3 महीने तक आपको यूज़ करना है। और दोस्तों R5 ड्रॉप जो है ये 22 ml के वॉयल में आती है और लगभग इसका जो प्राइस है वो ₹235 है। इसे आप किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी से जो है खरीद सकते हैं, जैसे कि 1 mg ऐप, या फिर जो है आप इसे किसी भी ऑफलाइन फार्मेसी से खरीद सकते हैं। स्पेशली जो है ये किसी भी लीडिंग होम्योपैथिक फार्मेसी में जो है आपको मिल जाएगी। आपके शहर के अंदर देख लीजिए कहाँ पर होम्योपैथिक फार्मेसी है, वहाँ पर आप पर्सनली जाके विजिट करके इस दवा को आप जो है खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो R5 ड्रॉप के ऊपर। आप बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके बाजू में घंटी लगी हुई है उसे दबाइए ताकि जो है आपको मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों मैं जो हूँ लाइव क्लिनिक पे आता हूँ हर सोमवार से गुरुवार 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में, तो उस दौरान भी जो है आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आपके सवाल मुझसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, फिर मिलूंगा मैं आपसे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।